हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए केमिकल काइनेटिक्स से 5, 2, 3 नंबर के टॉपिक्स लेके आया हूं जो कंफर्म आएंगे। बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं जो आते ही आते हैं। PYQs आप उठा के देख लीजिए, ओसवाल उठा लीजिए, कोई से भी आप बुक उठा लीजिए, अरिहंत उठा लीजिए, वहां पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बेटा सबसे पहला आपके दो नंबर के बताते हैं साइड में, दो नंबर का सुडो यूनिमोलिकुलर या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये एग्जांपल के साथ एग्जांपल आपको बताऊंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इसके एग्जांपल है जो जनरली पूछे जा रहे हैं। दूसरा आपको ग्राफ बोलेगा भाई कि लॉग आर ए नॉट बाय ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। क्लियर। उसके बाद उसकी इक्वेशन है, उसमें स्लोप बताइए कि भाई स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ग्राफ आप लोगों के पास है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। क्लियर। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आपका 5 नंबर का अर्हिनियस 5 नंबर का इक्वेशन सबको पता है, लॉग के टू बाय के वन, और ये होता है आपका ई ए अपॉन 2.303 आर, ये हो जाएगा टी वन, ये हो जाएगा टी टू माइनस का ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपका इक्वेशन। क्लियर। इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वहां पे भी आपका आ रहा है के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। इसी से बेसिकली दो अलग अलग टेम्परेचर पे ये ड्राइव होता है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।